वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह हो गई है बहुत पहले और मैं एक बार उठी थी और मेरा फेस ना अच्छा नहीं दिखता, इसमें दिखता है, लाइट आती है ना, तो मैं तो एक बार उठ गई थी। उठ के पहले हस्बैंड चले गए ड्यूटी, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट करके दिया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में देखो यहाँ पर गर्म पानी है, ये एक जीरा वाटर है, ये देखो ये जीरा वाटर है, ये मैं पीती हूँ डेली, जीरा अजवाइन मॉर्निंग में चाय और पानी सब लेके मैं बैठ गई यहाँ पर। और ब्रेड ये देखो पीनट बटर के साथ एक ब्रेड खाती हूँ मॉर्निंग में। और आप लोगों का सुबह कैसे शुरू हुआ बताओ, उसके बाद खाना बनाऊंगी, बहुत सारे काम हैं अभी, काम वो करूंगी। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट करती हूँ। आज थोड़ा सा धूप बाहर बहुत अच्छा आया है, शायद अब सर्दी जाने वाली है, तो आज के मेरे साथ रहिए, मैं जो करती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, कौन सा ब्लॉग करती हूँ, क्या क्या शेयर करती हूँ, सब आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए चाय पीते हैं थोड़ा सा। चाय में पता है धुआं भी उठ रही है, दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो चाय में धुआं। अच्छा, ये बोतल का फैडो आ रहा था। और मैं इधर बैठती हूँ ना, यहाँ बाहर की जो लाइट आती है ना, थोड़ा सा अंधेरा दिखता है। और ये मेरा मेडिसिन खाऊंगी सुबह। मॉर्निंग में मेरी होती है चार मेडिसिन, एक होती है थायराइड की, एक होती है प्रेशर की, ये देखो दो, और ये एक और थायराइड की निकालेंगे। ये होती है मॉर्निंग की मेडिसिन, उसके बाद इवनिंग की भी होती है। और ये डब्बा ना मेरे हस्बैंड मुझे लेके दिए थे, क्योंकि डेली बहुत सारी मेडिसिन होती है तो मैं भूल जाती हूँ, बार बार फ़ोन करके उनको ऑफिस में पूछती रहती थी ये आप लेनी है ना, तो करके उन्होंने फिर मुझे बोला तुम इस डब्बे में अरेंज करके रख दो, फिर तुम्हें ध्यान रहेगा कि कब का क्या लेनी है। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं जीरे पानी के साथ और दवाई के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा मॉर्निंग का काम क्या है देखिए। बहुत कष्ट होता है दवाई खाने में, इतनी मोटी मोटी, पता है बहुत मोटी मोटी दवाई होती है, क्या करूं, खाना तो पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आज व्हाट्सअप चेक नहीं किया, इसका मैसेज आया है। ये मेरा मॉर्निंग का काम है, मैं सुबह उठ के एक बार अपना व्हाट्सअप जरूर चेक कर लेती हूँ। तो ये व्हाट्सअप मैंने चेक कर लिया, एक दो रिप्लाई भी दे देती हूँ, जो इमरजेंसी है उनका रिप्लाई दे देना जरूरी होता है वो करती हूँ। ये सब मैं मॉर्निंग में उठ के करती हूँ, इसके बाद जाऊँगी बिस्तर साफ करूँगी और जो भी घर का काम करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज जरूर। ओके, तो साथ रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। आप लोगों के साथ बात करने के बाद थोड़ी देर आ गई हूँ मैं बैल्कनी में। क्या हुआ आप लोगों को पता है, बैल्कनी में दो बहुत अच्छे येलो येलो गुड़हल के फूल हुए हैं, तो सोचा थोड़ा सा उनको देख लेती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का शौक़ है और सुबह उठ के अगर पेड़ पौधे देख लेती हूँ ना, मेरा मन इतना अच्छा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। फिर आ गई हूँ थोड़े से बर्तनों को रखने के लिए। ये जो जगह है यहाँ पर मेरे डेली के बर्तन रहते हैं, डेली मतलब जो हर टाइम मैं यूज़ करती हूँ वो बर्तन, तो उन बर्तनों को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से अरेंज करके रख देती हूँ। तो क्या होता है, बार बार मुझे ड्रॉयर नहीं खोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ट्राईपॉड पैक करने के बाद और फिर यहाँ पर बर्तन रख देती हूँ, थोड़ा मेरा टाइम भी अच्छा चलेगा और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, पानी भरना बाकी है और भी छोटे मोटे बहुत सब काम रहता है सुबह के टाइम में, तो मैंने सोचा चलो वो काम भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ बात करते करते, ट्राईपॉड को लगाती हूँ और काम कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ मैंने सारे पानी एक एक करके भर दिया। ये जो फिल्टर है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पता है मेरे को ना हाथ ऐसे ऊपर करने में बहुत दर्द होता है, मेरे हाथ में एक बीमारी है जिस वजह से मैं हाथ ऊपर नहीं कर पाती हूँ।
एक टेनिस एल्बो बोल के प्रॉब्लम है मेरे एल्बो में है, जिससे कि मैं भारी सामान नहीं उठा पाती हूँ, मसाला नहीं पीस पाती हूँ, आटा नहीं गूंद पाती हूँ, ऐसे बहुत सारे काम हैं, और जो कि राइट हैंड में है। और मेरे जो हाथ का मतलब पंजा है ना, ये एक बार टूट गया था। मैं इतनी ज़ोर से बाथरूम में गिर गई थी तो मेरे हाथ के पंजे में ना फ्रैक्चर है। तो मैं उस दाहिने हाथ से वो कोई भी चीज़ सख्त तरीके से पकड़ भी नहीं पाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, मेरे हेल्थ के साथ है। तो जितना मैं कर पाती हूँ, कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं वो काम अपने आप ही करूँ। तो मैं थोड़े बहुत पानी के बोतल एक दो फ्रिज में रख दिया और बाकी सब बाहर कर दिया। पति सुबह ड्यूटी जाने से पहले ना सब्जी लेके गए थे और उनको भी थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। बहुत सारे सब्जी लाते हैं क्योंकि वो हफ्ते में एक ही दिन सब्जी लाते हैं, तो बहुत सारे सब्जी लेके आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम है जो मुझे डेली करना पड़ता है, सब्जी को रखना, सब्जी को अच्छी तरह से काट के रखना। हम दोनों जन रहते हैं तो क्या हो गया, बहुत सारे काम छोटे मोटे जो घर में होते ही रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा सिर्फ दोनों मियाँ बीवी रहते हो, आप लोगों का काम ही क्या है। देखो काम ऐसा है ना, आपको एक लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, दो लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो मेरे साथ तो यही है, घर तो साफ देखो एक जने के लिए भी करना पड़ता है, दो जने के लिए भी करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं एक एक काम करती जा रही हूँ और आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है आप लोग नहीं होते तो मेरा समय कैसे कटता। आजकल बातें करते करते समय कैसे कट जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और इन बैग को ना मैं फोल्ड करके जो मेरी आलू प्याज की टोकरी है उसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि फ्लैट है, ज़्यादा कील यहाँ वहाँ लगा नहीं सकती हूँ। और यहाँ वहाँ उसको टांग के रखूँगी तो कैमरा में बहुत गंदा दिखता है। आजकल क्या हुआ, पहले तो फिर भी घर अस्त व्यस्त इधर उधर रहता था, बट जब से मैंने कैमरा पकड़ना शुरू किया हमेशा कोशिश यही रहती है कैमरा में घर अच्छा दिखना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा संचिता जी आपका घर कितना गंदा है। वैसे कैमरा के लिए भी नहीं, मुझे थोड़ा सा घर में साफ़ सफाई बहुत पसंद है। मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखूँ और हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से करूँ, जिससे कि सारा दिन मेरा घर बिखरा हुआ भी ना रहे, मेरा काम भी हो जाए और मैं वीडियो भी बना लूँ। तो वहाँ काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये जो कलर वाली बाल्टी है ना मेरे किचन में एक और है, उसको मैंने आज क्या किया, धो के बालकनी में सुखाने के लिए दे दिया। तो इसमें मैंने कचरा को छोटी पन्नी लगा के इकट्ठा करके रख दिया। दो चार बर्तन पड़े थे लगे हाथों, उनको भी धो दिया। आज मॉर्निंग में थोड़ा सा खाना बनाने का प्रेशर कम है, सोचा शाम को ही खाना बना लूँगी, थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी। तो मैंने सोचा बर्तन को साफ करने के बाद यहाँ पूरा क्लियर काम कर देती हूँ, उसके बाद जो करना होगा वो करूँगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है बर्तन धोना। मैं ज़्यादातर बर्तन खुद ही धोती हूँ, फैमिली से बहुत कम बर्तन धुलाती हूँ, क्योंकि पता है मुझे बड़ा दया आता है उस पर। ऐसा लगता है कि हमारे घर में काम करती है तो ये थोड़ी ना है उससे हर काम मैं कराऊँ। तो जितना हो सकता है मैं खुद कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो रहता है वो आके कर देती है। देखो हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, कैसे भी है वो इंसान तो है। हमारे पास थोड़े से पैसे ज़्यादा है तो हमने उनको काम पे रख लिया है, बट वो भी अपने पेट पालने के लिए ही काम कर रहे हैं। हर कोई यही करता है। आज मैं जो YouTube बना रही हूँ, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है तो मैं YouTube कर रही हूँ। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोगों के घर में काम करते हैं। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे लिए, और मैं कभी भी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती हूँ। मुझे हमेशा लगता है इंसान की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए, थोड़े बहुत अपने अंदर इंसानियत तो बचा रहना चाहिए। धीरे धीरे हमारे यहाँ ना गर्मी पड़ती जा रही है। वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, कभी कभी गलती हो जाती है, माफ़ कर देना। हो गई है शाम, सारा काम मैंने कर लिया, नहा धो के भी मैं पसीने पसीने हो गई, और मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ी सी मटर पनीर बनाऊँगी, आज पतिदेव ने बोला मटर पनीर बना लो, बहुत दिन हो गया। तो मटर छील के रखे थे तो मुझे भी ऐसा लगा चलो अच्छा है मटर पनीर बना देती हूँ।
फिर जब मैं दुकान में गई पनीर लाने के लिए, तो मैंने देखा पनीर ख़त्म है दुकानदार के पास। हमारे जो फ्लैट है उसके नीचे एक शॉप है, वहाँ पर पनीर मिल जाती है। तो मैंने सोचा ठीक है, पनीर नहीं तो आलू के साथ मटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। और थोड़ी सी ना कुछ फ्राई किया हुआ था तो तेल था, वो मैंने उस कटोरी में रखा हुआ था। तो मैं पति के साथ बात करते करते जो आलू है वो छील रही हूँ, कि आलू छील देती हूँ और मटर पनीर बना देती हूँ। और कुछ कुछ ऐसी बातें भी उनको बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो कुछ कुछ बातें उनको ये भी बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए मैं तो नौकरानी बन गई हूँ, सारा दिन काम काज करती रह रही हूँ। तो वो हंस के बोलते हैं क्या करूँ, जो तुम्हारा काम है तुम करते हो, जो मेरा काम है मैं करती हूँ। अब मैंने इस महाराजा को ऑन कर दिया। ये मेरे घर के सबसे बड़े महाराजा जी हैं, जिनका आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद है, किसी का भी आवाज़ सुनाई नहीं देता अगर ये बोलते हैं तो। तो चलिए, काम करते करते आलू मैंने छील लिया, बात करते करते, और मैंने कढ़ाई पे रख दिया है आलू मटर की सब्जी। छोटी वाली बेटी कॉलेज से आई हुई है, और फिर मैंने आलू मटर की सब्जी को अच्छी तरह से पका के, और देखो मटर भी छील के रखा था, ये प्रिपरेशन कर लूँगी तो आज के लिए मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और तब मैं थोड़ा शांति से बैठूँगी। सुबह से जब काम करना शुरू करती हूँ, बार बार यही मन में होता है कब थोड़ा सा टाइम मिले और मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ, बट मुझे बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। रात को एकदम सोते टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है जब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और पीछे आप देख रहे हैं, वो पतिदेव बैठे हैं वहाँ पर, बूजो घूम रही है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा काम करते करते आप लोगों के साथ बात कर लिया, और आज के वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे फ्रेंड्स को मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे।